थोड़ा सा अटक गए आप? थोड़ा सर पहला इंटरव्यू मेरा डर लग रहा था सर, कॉन्फिडेंस नहीं था सर, वो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा सा डर लग रहा था, हाथ वगैरह कांप रहा था, ऐसा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे इंटरव्यूअर के पास है। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज मैं आपको हमारे स्टूडेंट से मिलाता हूँ। इनकी एक अच्छी सी टेक्निकल जॉब लगी है। अभी आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी, तो प्लीज़ बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार बागवे है, मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से झारखंड से हूँ, मैं ITI 2018 पास आउट हूँ। मैं प्रोडक्शन में जॉब कर रहा था गुवाहाटी में। जॉब करते टाइम हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जो हम कुछ सीख पा रहे हैं यहाँ से, एकदम लेबर की तरह काम कराया जा रहा था प्रोडक्शन में। हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखने, टेक्निकल डिग्री था मेरे पास लेकिन सीखने चाहते थे। हम बहुत दिन से खोज रहे थे जो कुछ ऐसा सीखने के लिए मिले, तो यूट्यूब में देखे स्किल हिंदुस्तान का, ये सितंबर महीना से ही हम फॉलो कर रहे थे स्किल हिंदुस्तान को। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से थोड़ा लेट हुआ आने में, तो वही हम ये 2 अप्रैल को यहाँ पहुँचे थे। 2 अप्रैल को ज्वाइन किए थे, 2 अप्रैल आज हो गया 22 अप्रैल, ये 20 दिन में टेक्निकल का ये कोर्स किए और ये 20 दिन में मेरा जॉब लग गया MST में। तो जो आपकी ग्रोथ सैलरी बोले, सारी PF ASI वगैरह लगा के कितनी लगी है वो? अभी सर ये इन हैंड बताया है 16,000 सर, 16,000 इन हाँ तो हैंड, वही सर प्लस लगाया होगा, ग्रोथ सैलरी 18,000 के करीब लगाया ही होगा सर, अठारह साढ़े हाँ अठारह साढ़े हज़ार अठारह हज़ार के करीब सर लगाया है। तो सेटिस्फाई हो इस वर्क हाँ से? सर अभी तो सेटिस्फाइड है सर। तो यहाँ पर जो सीखा, तो उसको किस तरह आप रैंक करोगे कि कैसे सीखा, किस मतलब आपको अच्छा सिखाया गया या कैसे रहा? हाँ सर अच्छा तो सिखाया गया सर, यदि नहीं यहाँ आते या पाते तो हमको लगता है सर कभी टेक्निकल में घुस ही नहीं पाते सर, कोई जरिया ही नहीं मिल रहा था हमको जो कैसे हम घुसे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरा करने का मन था, हम सोच रहे थे कैसे जाएं कैसे जाएं, प्रोडक्शन में तो अलग ही हो रहा है मेरे साथ। तो इसी तरह सर आए, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा सर, और वहाँ जैसे सर सवाल किए गए इंटरव्यू में सर सारा आसानी से बता दिए, पूछा गया कि कितने इंटरव्यू दिए आपने टोटल? पहले से, ये दूसरा इंटरव्यू में मेरा हो गया सर। दूसरे इंटरव्यू में आपका हाँ सिलेक्शन हो गया। सर पहले इंटरव्यू में क्या चीज़ें थी जिसमें आपको लगा कि थोड़ा सा अटक गए आप? थोड़ा सर पहला इंटरव्यू मेरा डर लग रहा था सर, कॉन्फिडेंस नहीं था सर, वो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा सा डर लग रहा था, हाथ वगैरह कांप रहा था, ऐसा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे इंटरव्यूअर के पास है। तो वही सर हम परसों ही हमको रिजेक्ट कर दिया गया था। हम रूम पर आए हमको पूरा गिल्टी फील हो रहा था, जो हम अपने आप को निकालना ही पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए सर, हमको डर भगाए, आज जाके इंटरव्यू दिया आराम से सर, सिलेक्ट हो गया सर। तो कैसा मतलब फील हो रहा है अभी घर पे? फैमिली में सबको इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में? नहीं अभी फैमिली को, पापा सब तो वर्क पर गए होंगे सर, अभी वाइफ को बताएं, मेरा तो शादी हो गया है, हाँ, वाइफ को बताए तो हैं सर। कैसे हैं, खुश हैं वो? हाँ खुश हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पता है कि तरक्की का रास्ता मतलब पहली सीढ़ी है, आपने कदम रखा है। तो जैसा कि मैं भी आपको पहले भी बताया हुआ है, ITI आपने किया हुआ है, अभी अगला जो चीज़ है वो आपको करना है वो है डिप्लोमा। हाँ सर तो डिप्लोमा करना उसके है। लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक मैनेजर लेवल तक पहुंचना है ना, तो हाँ वो सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सर स्किल्ड हिंदुस्तान की जो टीम थी उसने किस तरह सपोर्ट किया आपको? बहुत बहुत सपोर्ट किए सर, सब भी सपोर्ट किए सर, जो भी कन्फ्यूजन होता था 2 बार 3 बार पूछने के बाद वो क्लियर हो जाता था सर। स्टूडेंट भी जो हैं सर सब भाई भाई की तरह एकदम रहते हैं, हॉस्टल में भी यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है सर, सर आराम से। जो हाँ जो अभी ये बच्चे हैं हमें सर देख रहे हैं, मैं थोड़ा कैमरा मैन को बोलूँगा, थोड़ा सा इनको भी थोड़ा दिखाएं, तो इनको इनको इन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे आज? आपका कुछ भी क्या होता है ना, जो सीनियर होता है ना, वो कुछ न कुछ सबक देता है अपने जूनियर्स को। तो अभी आप यहाँ पर ना इनके सीनियर हैं, तो इनको क्या क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या चीज़ें इन्हें थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए? इंटरव्यू में डर लगेगा नहीं लगेगा, और जो लोग दे रहे हैं उनको भी क्या मैसेज देना चाहोगे? इस सब को फोकस करना चाहिए सर, पहले जैसे हम लोग गलती किए सर आपस में, वहाँ डिस्कशन नहीं करते थे हॉस्टल में सर, ये सर डिस्कशन में जैसे सर खड़ा रह के एक आदमी बहुत कुछ बताए तो इंटरव्यूअर के सामने उतना डर नहीं लगेगा सर, नहीं तो पहला में थोड़ा बहुत डर लगता है, क्वेश्चन जानते हुए भी नहीं बता सकते हैं, भूल ही जाते हैं वहाँ से इंटरव्यूअर के पास जाने के बाद, गलत सलत इधर उधर से बताने लगते थे। वही हुआ मेरा पहला इंटरव्यू में सर, बोल ही नहीं पाते थे, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत बता दिए, उसी में पहला इंटरव्यू में छटा गया था। बस अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, इधर तो जो है तो सर प्रैक्टिकल और ये थ्योरी पर भी थोड़ा फोकस करें, बस यही सब है सर, यही ट्रांस जो पढ़ाया जाता है उसी के अंदर से पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा हो गया,
एडीजी हो गया। पहले पहले ये चीज़ सच लगती थी, जैसे मैं तुम्हें बोलता था यार इंटरव्यू में डरने की ज़रूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ सर, तो जब तू लगता नहीं सर तो ऐसे बहकाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा लगता था। नहीं सर, लगता था हमको, सबसे ज़्यादा हमको डर था सर, हम ज़्यादा बोल नहीं पाते थे सर, वहाँ भी इंटरव्यूअर के पास सर बोल नहीं पाए थे उतना, तो आज जहाँ इंटरव्यूअर के पास गए थे वहाँ हम बोले सर थोड़ा हम उतना बोलते नहीं हैं सर खुल के सर, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करो, हम जो सवाल करेंगे उसका आराम से तुम जवाब दे देना, हो जाएगा, आराम से टेंशन मत लो, आराम से बैठो और आराम से ये करो, हम लोग भी आदमी ही हैं, टेंशन लेने का कोई नहीं है, आराम से जो पूछेंगे उसका जवाब देना है, इसलिए बस तो फिर मतलब माइंड क्या होता है, डर निकल जाता डर है इस निकल जाता तरह, है। हाँ सर, सामने वाला थोड़ा कंफर्ट हमें देता है ना, तो हाँ वो सर, काफ़ी बेनिफिट देता है हमें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से मैं फर्स्ट डे जिस दिन मिला था मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ग्रुप डिस्कशन इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं वही अभी। वही सर, हम लोग कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहे थे सर, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए थे, कोई कुछ नहीं उसमें भी हो रहा है सर, सब उसी का थोड़ा ये हुआ परसों, ये छांट जब इंटरव्यू में हमको रिजेक्ट कर दिया था सर, दूसरे टाइप का लग रहा था, मन ही नहीं लग रहा था, आखिर में हम छांटा गए कैसे, बहुत दूसरे टाइप का लग रहा था, तो फिर आज हो गया सर, खुश हैं अपने अंदर से बिल्कुल। हाँ सर, देखो पहली चीज़ आप लोगों को डरना नहीं है इंटरव्यू में, जो लोग देख रहे हैं जो लोग स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ हैं उनको तो बिल्कुल नहीं डरना है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके पीछे ना पूरी एक टीम खड़ी हुई है, कोई नहीं क्या हो गया वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी जगह होगा, तीसरी जगह होगा, चौथी जगह होगा, आप लोगों का कोर्स उस दिन ख़त्म होता है जिस दिन आपकी जॉब लग जाती है, तो वो टेंशन है ही नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, एक जॉब लग गई छूट गई। आज एक स्टूडेंट थे हमारे, वो ज्वाइन किया था कहीं, बोला सर अच्छी काम ज़्यादा करा रहे हैं ये वो, इस तरह का कुछ इशू था, हाँ सर, बोला उससे भी बात हुआ सर, वो वहीं मदरसा का बगल में ही है सर HCL है, उसका भी इंटरव्यू वहाँ क्रैक कर गया सर, वो जगदीश है वो भी झारखंड से ही, रांची से है वो, उसका भी हो गया सर, अभी बात हुआ, उसका भी वहाँ ज्वाइन हो गया तो सर। दूसरा दूसरा जगह, एक जगह हो गया था उसको अच्छा नहीं लगा, दूसरी जगह इंटरव्यू दिया सिलेक्शन हो गया है, तो आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है सर, स्किल्ड हिंदुस्तान कुछ नहीं कर रहा, स्किल्ड हिंदुस्तान एक चीज़ तो कर रहा है, आप लोगों के अंदर क्वालिटी दे रहा है, आप लोगों के अंदर स्किल दे रहा है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, जॉब तो अपने आप आएगी आप लोगों के पास में, अभी लग रहा है कोई डर, मतलब कितना डर कम हो गया अभी। बहुत डर कम हो गया, यहाँ जॉब का तो कमी है ही नहीं सर, जहाँ देखते हैं हर एक कंपनी में 3 MST, 4 MST, 5 MST खाली ही है, बहुत जॉब का बहुत है सर यहाँ। बट हाँ, बिना नॉलेज नॉलेज के कमी है कुछ नहीं हो सर, सकता कोई ना, कुछ नहीं हो सकता, वो तो बहुत है सर। सारे लोग होते हैं फ़ोन करते हैं सर ऐसे ही जॉब लगवा दो, तो अगर मैं आपकी ऐसे ही जॉब लगा देता तो क्या होता, नहीं सीख ही नहीं पाते सर, हम समझ ही नहीं पाते कुछ। हाँ सर, कभी भी नौकरी से निकाल हाँ दिया जाता, कुछ भी हो सकता वो हमको सर रिज्यूम का पीछे में ही पेज में दिया, वो बोला स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों बना के दिखाओ, वो सर तुरंत बना के दिखा दिए, बोला अरे इतना फास्ट बना दिया, तुम कहीं चोरी तो नहीं ना कर लिया, बोले नहीं सर जानते हैं सर, इसलिए ये पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम तुरंत बना दिए सर, ज़्यादा ज़्यादा दोनों बनाने में 5 मिनट लगा हुआ सर। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ये अपने स्टूडेंट क्या होते हैं, हवाई जहाज होते हैं भाई, किसी ने बोला ड्यूल का डायग्राम बना दो, 1 मिनट में ड्यूल का डायग्राम बना दिया SLD, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी ज़्यादा होगा कि एक पेपर उसके हाथ में आया, बनाया और वापस दे दिया, तो 5 मिनट बहुत हैं दोनों, मतलब बहुत कम टाइम है 5 मिनट, लोग तो सोचने में पेन में यूँ चलाने में लगाते हैं देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यार मेरे को, और मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ हाँ लक, सर, और आपकी टीम में कितने लोग बच गए हैं, आपके बैच में कितने बच्चे थे। हाँ बच्चे थे हम लोग सर 8 करीब सर, तो दो हाँ तीन घर चले गए हैं, वो भी 2-3 दिन में आने वाले हैं सर, तो अभी लग गए हैं हम, लग गए हैं और जगदीश भी लग गया, हरे कृष्णा भी तो लग ही गया सर, और मतलब एक शंभुदास का भी आज इंटरव्यू हो रहा था सर, उसका भी कुछ हो ही जाएगा सर, उसका भी लग रहा था, वही मतलब 3-4 लड़के हैं सर, वो हो जाएगा, सबका भी हो जाएगा सर, थोड़ा एक दो इंटरव्यू में होता है सर डर, वो डर निकल जाने के बाद होता है, हो जाएगा सर। और काम कर पाओगे, देखो ये तो हाँ इंटरव्यू सर, निकाल दिया, अब आपको कोई बोले काम करने में तो काम करने में कुछ डर लगेगा क्या, नहीं सर डर नहीं लगेगा सर, क्योंकि प्रैक्टिकल कर लिया आप लोगों हाँ ने सर सब होता कुछ। है। चलो तो फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं उनको ये मैसेज है कि भाई जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करो, हम डरते रहेंगे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होना, होना जब है जब हम फाइनली आके एक डिसीजन लेंगे,
जल्दी जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। भैया तालियां इसके लिए, बढ़िया थी।